सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढवा में। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। इस वीडियो में बड़ी अपडेट देंगे हरियाणा में एचकेएन कर्मचारियों को लेकर। आप सभी को बताया, हरियाणा में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लाखों कर्मचारी लगाए गए हैं, जिसमें हजारों कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी जो जॉब है वो अपने गृह जिलों में नहीं है, दूर दूर उनकी जो जॉब है वो लगाई गई है, तो वो साथी अपने ट्रांसफ़र अपने गृह जिलों में करवाना चाहते हैं। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे किस प्रकार से जो ट्रांसफ़र है वो होगी नहीं होगी, या पॉलिसी में कुछ ऐसा है या नहीं है, वह कुछ ऑप्शन भी दिए गए हैं एचकेएन की जो साइट है वहाँ पर, उसके द्वारा जो आप ग्रीवेंस लगाए जा रहे हो क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी, या जो अन्य जानकारी है बार बार मैसेज आ रहे हैं ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर, सभी के बारे में बताएंगे। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो अब हम आपको बता देते हैं साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से जो पॉलिसी बनाई गई है 30/6/2022 की पॉलिसी में ऐसा कोई ऑप्शन वहां पर नहीं दिया गया है कि जो एचकेएन कर्मचारियों की ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर हो। लेकिन उसके बाद 2/12/2022 को एक लेटर जारी किया गया था एचकेएन की तरफ से, जो कि ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर जारी हुआ था, जिसमें लिखा गया था कि जो ऑफर लेटर दिए जा रहे हैं कर्मचारियों को, वो बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो काफ़ी दूर जॉब लोकेशन आई है उनकी, गृह जिलों से अलग उनको जॉब दी गई है और काफ़ी परेशान है। उन्हीं के रिगार्डिंग एचकेएन के ऑफिस में बहुत सारी रिक्वेस्टें पहुंची है कि हमारी जो ट्रांसफ़र वो की जाए। उसके अलावा जो ग्रीवेंस का ऑप्शन दिया गया वहाँ पर भी बहुत सारे जो ग्रीवेंस लगाए गए हैं डिस्ट्रिक्ट चेंज को लेकर। अब आपको बता देते हैं कि जो एचकेएन के पोर्टल पर अभी अभी पिछले हफ्ते नई अपडेट आई थी कि अब आप डिस्ट्रिक्ट चेंज कर सकते हैं और आप रिक्वेस्ट लगा सकते हैं, हालांकि बाद में उसे बंद कर दिया है। तो उसके रिगार्डिंग हमने जो बात की है वो एक बार आपको बता देते हैं। जब आप ग्रीवेंस लगाते थे एचकेएन पर, ऑप्शन था डिस्ट्रिक्ट चेंज करने का, तो उसे बंद क्यों किया गया? क्योंकि आप सभी को पता, जैसे ही ऑप्शन खोला गया तो हज़ारों की संख्या में कर्मचारियों ने ग्रीवेंस लगाई। तो इस ऑप्शन पर फिलहाल सरकार को लिख दिया गया है, ये गवर्नमेंट इशू है, क्या डिसीजन होता है इस पर, क्या एचकेएन कर्मचारियों की जो ट्रांसफ़र है वो होगी, क्योंकि काफ़ी बड़ा प्रोसेस है ये और इस प्रोसेस में काफ़ी समस्या आने वाली है। तो इसी के रिगार्डिंग अब वो ऑप्शन वहाँ से हटा लिया गया है। अब आप ग्रीवेंस क्या लगा सकते हैं, आप जैसे ही एचकेएन के पोर्टल पर जाएंगे तो आप वहाँ पर एक जो ऑप्शन आएगा जॉब लोकेशन चेंज का, तो वो ऑप्शन आप क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पर आप आपकी ग्रीवेंस लगा सकते हैं। लेकिन ग्रीवेंस पर आपकी कोई ट्रांसफ़र नहीं होगी, केवल आपकी ग्रीवेंस आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे तो डिपार्टमेंट के पास आपकी समस्याएं जाएगी और उस पर कुछ संज्ञान हो सकता है। हमने बात भी की कि जो ग्रीवेंस लगाई गई है उसका क्या निर्णय होगा। अब आपको बता दें कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र का ऑप्शन काम करेगा या नहीं, उसके लिए आपको काफ़ी सारा प्रोसेस अपनाना होगा। सबसे पहले तो आपको आपके DDO से परमिशन लेनी होगी कि मैं अपनी म्यूचुअल करवाना चाहता हूँ। उसके अलावा जो दूसरा एम्प्लॉयज़ म्यूचुअल में आना चाहता है उसे आपको सहमत करना होगा और वहाँ के जो DDO है वो भी लिख के देगा, उसके बाद ही आपकी म्यूचुअल हो सकती है। उसके बाद जो जो आपकी रिक्वेस्ट होगी इस डिपार्टमेंट से भी और उस डिपार्टमेंट से भी, उन सभी को अप्रूवल किया जाएगा और आपकी अप्रूवल चेक की जाएगी एचकेएन के डिपार्टमेंट द्वारा, हेड ऑफिस द्वारा। उसके बाद काफ़ी लंबा प्रोसेस होगा और उसके बाद आप म्यूचुअल करा सकते हैं। रही बात जो ट्रांसफ़र की, गृह जिलों में ट्रांसफ़र को लेकर, अभी प्रोसेस चला हुआ है और जो गवर्नमेंट है उसके संज्ञान में मामला लाया गया है, क्योंकि आप सभी को बता दें कि जो ये प्रोसेस शुरू की गई है, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो रिक्वेस्ट लगा चुके हैं, चाहे वो एचकेएन के डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन दी हो या जो ग्रीवेंस का पोर्टल है वहाँ पर ग्रीवेंस डाली हो कि हमारी जो ट्रांसफ़र है वो हमारे गृह जिलों में की जाए। तो इन्हीं को देखते हुए अब जो निर्णय लिया गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन था वो अभी फ़िलहाल हटा लिया गया, क्योंकि इस पर अभी प्रोसेस चला हुआ है। तो आपको केवल यही जानकारी देनी थी, क्योंकि बार बार हमें मैसेज आ रहे हैं, कॉल की जा रही है कि जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसको लेकर कुछ बताएं। जो एचकेएन की पॉलिसी बनाई गई है 30/6/2022, उसमें ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया है कि एचकेएन कर्मचारियों की ट्रांसफ़र होगी। अब फिलहाल इस ऑप्शन पर काम चला हुआ है, जैसे ही कोई निर्णय होगा सरकार की तरफ से, कोई ऑप्शन इस प्रकार का लागू किया जाएगा, तो आपको नई पॉलिसी में वो ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद आपकी जो
होम डिस्ट्रिक्ट चेंज करने की रिक्वेस्ट है वो लगा सकते हैं। उसके अलावा यदि उससे पहले कोई अपडेट आएगी तो आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट लगाएं, क्योंकि जितनी आपकी रिक्वेस्ट होगी आपकी परेशानी का पता लगेगा, उसके बाद ही कोई ऑप्शन अच्छे से काम कर पाएगा। तो फिलहाल के लिए साथियों हम केवल यही जानकारी देना चाहते थे कि अभी वो जो आप ग्रीवेंस लगा रहे हैं उसके तहत किसी प्रकार की कोई ट्रांसफ़र होने वाली नहीं है। लेकिन ऑप्शन डाला गया था और आपका ऑप्शन देखते हुए जैसे ही ऑप्शन डाला तो हज़ारों की संख्या में कर्मचारियों ने रिक्वेस्ट लगाई, तो उन्हीं रिक्वेस्ट को देखते हुए सरकार को लेटर लिख दिया गया है एचकेएन की तरफ से। फिलहाल आपको यही जानकारी देनी थी। अन्य आप एचकेएन संबंधी कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं तो आप चैनल से जुड़े रहें, वह ट्रांसफ़र को लेकर कोई भी ऑप्शन आता है तो आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ।